नैतिक और अक्सरा के दो जुड़वा बेटे होते हैं, जिनमें एक का नाम कार्तिक है तो वहीं दूसरे का नाम नक्स। वैसे तो कार्तिक और नक्स दिखने में काफी हद तक एक जैसे ही नजर आते थे, जहां उनका पहनवा, खान पान, चलने का ढंग, यहां तक कि दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में ही पढ़ते थे, मगर इन दोनों के बिहेवियर और सोचने समझने की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर था। जहां कार्तिक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था तो वहीं नक्स काफी गुस्से वाला लड़का था, जिसे जरा जरा सी बात पर इतना गुस्सा आता था कि वो चीजों को उठाकर पटकने लगता था। और नक्सरा और नैतिक भी हमेशा नक्स के इसी बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि जब भी नक्स को गुस्सा आता था तो वो कार्तिक को भी पिटने लगता था। हालांकि दिन ऐसे ही बीतते गए और इन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई थी, जहां कार्तिक इंजीनियरिंग में अपना अच्छा खासा करियर बना लिया था और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी थी, तो वहीं दूसरी तरफ नक्स की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। लेकिन उसने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से MBA किया था और उसकी सैलरी भी कार्तिक के मुकाबले काफी कम थी। वहीं अब बारी थी इन दोनों की शादी की, जहां नैतिक और अक्सरा अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो सभी कार्तिक के इंजीनियरिंग वाली डिग्री के बारे में सुनकर काफी खुश हो जाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ नक्स के MBA वाले डिग्री को देखकर उसे कोई अपनी लड़की देने को राजी नहीं होता। मगर अक्सरा और कार्तिक ने सोच रखा था कि कार्तिक और नक्स की शादी एक ही मंडप पर करेंगे। हालांकि काफी लड़की ढूंढने अक्सरा को दो लड़कियां पसंद आ जाती है, जो इनके दोनों ही बेटों से शादी करने के लिए मान जाती है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि जो लड़की कार्तिक के लिए पसंद की गई थी वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर जिसका रिश्ता नक्स से तय किया गया था वो लड़की CA थी। जब CA वाली बहू से अक्सरा ने पूछा कि इनका बेटा नक्स इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो ज्यादा सैलरी कमा सके, तब CA वाली बहू ने कहा, माँ जी आप मुझे काम करने दीजिए, बाकी मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है कि वे कम कमाएं या फिर ज्यादा। इस बात को सुनकर अक्सरा बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वह अपने दोनों बेटों की शादी खुशी खुशी एक ही मंडप पर करवाती हैं, जिसके बाद सभी सुख चैन की जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अक्सरा ने CA वाली बहू के साथ नक्स का रिश्ता तय करके ठीक किया या फिर गलत? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।